दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि G5 जो टैब है इसका FRP बाईपास किस तरह करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दें। वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस पे गूगल अकाउंट है। दोस्तों, दोबारा बैक जाइए और इसमें विजन सेटिंग को सेलेक्ट करके टॉकबैक को ऑन कर दें। जब टॉकबैक आ जाए तो इस पे एल शेप का दबा के इसको टॉकबैक सेटिंग में चले जाए। सेटिंग में जाने के बाद टॉकबैक को वॉल्यूम अप एंड डाउन को इकट्ठा दबाए तो इससे टॉकबैक ऑफ हो जाएगी। अभी देख सकते हो टॉकबैक ऑफ हो गई है। तो दोस्तों, इसमें हम हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक कर देंगे और डिस्क्राइब योर इशू में RTT लिख लेंगे। RTT जब लिखे तो इसमें आपको यूज़ रियल टाइम टेक्स्ट विद कॉल्स ये सेलेक्ट कर दे। इसमें फ्री ऑफ स्पेस मेन्यू में जाके रिमूव एप्स एंड डेटा पॉप अप को ऑन कर दे और इसमें डिलीट और डिसेबल एप्स ऑन एंड्रॉइड इसमें आपको सारे एप्स आ जाएंगे। इसमें सबसे आखिर में यूट्यूब गो इस पर क्लिक कर दे और इसमें ऐप नोटिफिकेशन में जाके एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें अबाउट सेलेक्ट कर दे। गूगल प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक कर दे तो दोस्तों क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। इसमें FRP फाइल .com/bypass इस वेबसाइट पर क्लिक कर सर्च कर दे, वो वेबसाइट ओपन कर दे और इसमें दोस्तों गूगल अकाउंट मैनेजर 819 ऐप ये डाउनलोड कर दे। ये डाउनलोड करने के बाद बाईपास FRP 1.0 ऐप ये डाउनलोड कर दे। जब ये डाउनलोड हो तो सबसे पहले गूगल अकाउंट मैनेजर को इंस्टॉल कर दे। इसके बाद FRP बाईपास को इंस्टॉल कर दें। और इसे ओपन कर दें। जब भी ओपन है तो 3 डॉट पर क्लिक कर ब्राउज़र साइन इन को ओपन कर दें। दोस्तों, इसमें कौन सी भी जीमेल आईडी दे दें और इसका पासवर्ड दे दें। जब ये साइन इन हो जाए तो स्टेप को रिस्टार्ट कर दे।
स्टार्ट होने के बाद ये दोबारा वेलकम मेन्यू में आ जाएगा। अब इसको सिंपल सा नेक्स्ट नेक्स्ट दबा के मेन्यू में चले जाए। अभी हमारी गूगल अकाउंट FRP बाईपास हो गया है। दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।